हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड इट्स मी चांदनी। तो गाइस, आज आप लोगों को मेरा थंबनेल और मेरा टाइटल देख के पता चल गया होगा कि आज का मेरा वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट मैं यहाँ ले रही हूँ ओलिविया की मॉइस्चराइजर क्रीम। इसे मैं अपने फेस पर अप्लाई करूँगी एज अ मॉइस्चराइजर। डॉट डॉट करके पूरे फेस पर इसे अप्लाई करना है ताकि पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड हो जाए। देन फिंगर टिप्स के हेल्प से अच्छे से अपने मॉइस्चराइजर को ब्लेंड करेंगे ताकि स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। तो इस तरह अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, नेक पे भी अप्लाई करना है। देन यहाँ मैं ले रही हूँ हुडा ब्यूटी का द मैट मेकअप फिक्सर। ये आपके मेकअप को बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और एज अ प्राइमर भी वर्क करता है। तो इसे मैं स्प्रे करके अपने फिंगर टिप्स एंड हाथों की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि मेरे स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देन मैं ले रही हूँ डार्लिंग इसबेला का कंसीलर स्टिक अपने आईब्रो को डिफाइन करने के लिए। देन अपने आई एरिया पर भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा आई मेकअप अच्छे से हो पाए। देन मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से आपका कंसीलर कितने अच्छे से ब्लेंड हो पाता है। तो यस, यहाँ मेरा कंसीलर अप्लाई हो गया। देन यहाँ मैं उस कंसीलर को सेट करने के लिए ले रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर विथ सनस्क्रीन। ये बहुत ही अच्छा रोज़ पाउडर है। देन अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ न्यूड शेड। अपने क्रीज एरिया को ड्रॉ करिए, अपने क्रीज एरिया को डिफाइन करने के लिए। गाइज, अगर आप लोग घर पे खुद मेकअप करते हैं, आप लोगों ने मेकअप कहीं बाहर नहीं सीखा, आप यूट्यूब के थ्रू मेकअप सीखते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने क्रीज एरिया को ड्रॉ करने के लिए हमेशा लाइट शेड ही पिक करें। देन यहाँ मैं पिक कर रही हूँ पिंक शेड अपने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को फिल करने के लिए। देन मैं इसे अच्छे से दोनों साइड फिल कर लूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक दे। थोड़ा डार्क शेड कर लूँगी इसको। देन मैं दोनों को ब्लेंड कर लूँगी क्रीज एरिया पे ले जाते हुए। मैं इसे अपने आईलिड्स पर अप्लाई नहीं करूँगी। इस तरह मैं अपने दोनों शेड्स को मर्ज कर लूँगी। देन मैं यहाँ पिक कर रही हूँ गोल्डन शेड। यस, गोल्डन शेड अपने आईलिड्स पर अप्लाई करूँगी। देन गाइज, आप लोग देख रहे होंगे मैं अपने फिंगर्स से अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन शेड। यस गाइज, अगर आप लोग आईलिड्स पे कोई भी शेड अप्लाई करते हो, गोल्डन हो या सिल्वर हो, हमेशा अपने फिंगर टिप्स के हेल्प से ही अप्लाई करें। काफ़ी अच्छे से अप्लाई होता है, ब्रश से भी इतने अच्छे से अप्लाई नहीं होता है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हाईलाइटर। एक आई शेडो एप्लीकेटर की हेल्प से अपने हाईलाइटर को ब्रो बोन पर अप्लाई करूँगी ताकि मेरा आई शेडो थोड़ा हाईलाइट होके आए। देन अपने लोअर लैश लाइन पर सेम पिंक एंड गोल्डन शेड से ड्रॉ कर लूँगी। गाइस, हमेशा आई मेकअप करते समय एक बात का ध्यान रखें कि आपका आई मेकअप तभी अच्छा लगेगा तो आप अपने लोअर लैश लाइन पर भी हल्का सा आई शेडो ज़रूर ड्रॉ करें। देन यहाँ मैं ले रही हूँ NYV का आईलाइनर। ब्लैक आईलाइनर यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे। देन आप लोगों को पता है मैं यहाँ क्रिएट कर रही हूँ जन्माष्टमी मेकअप लुक, तो मैं यहाँ ड्रॉ करूँगी विंग आईलाइनर। यस गाइस, जन्माष्टमी मेकअप लुक में विंग आईलाइनर काफ़ी अच्छा लगता है। देन ये NYV का आईलाइनर मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसे पर्पल से परचेज़ किया था। अभी अप्लाई करने टाइम जो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा ये आईलाइनर, बहुत ही अफोर्डेबल है। देन मैं यहाँ ले रही हूँ NYV का ब्लैक काजल। यस गाइस, काजल और आईलाइनर दोनों ही मेरे NYV के हैं। यहाँ मेरा आई मेकअप होता है कंप्लीट। देन मैं फाउंडेशन के लिए ये यूज़ कर रही हूँ NYV का लिक्विड फाउंडेशन। यस गाइस, लिक्विड ये फाउंडेशन का कवरेज बहुत ही अच्छा है, मैंने इसे काफ़ी टाइम यूज़ कर चुकी हूँ। देन मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी ताकि इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ। देन यहाँ मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने फाउंडेशन को ब्लेंड कर लूँगी। गाइस, ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने पहले भी बताया था कि कभी भी ब्यूटी ब्लेंडर को ड्राई यूज़ ना करें, इसे हल्का सा वेट कर लें ताकि आपका मेकअप ज़्यादा पैची और केकी ना दिखे। देन यहाँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं अपने फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन यहाँ मैं ले रही हूँ अपना ADS का लिक्विड कंसीलर, अपने आई एरिया पर ड्रॉ कर लूँगी। यस गाइस, ये लिक्विड कंसीलर मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं हमेशा इसे ही यूज़ करती हूँ। देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी।
लगता है ये ज़्यादा हाई कवरेज तो नहीं देता, बट ठीक ठाक कवरेज दे देता है। अपने कंसीलर को हमेशा ध्यान रखें, अच्छे से ब्लेंड कर ले, कहीं थोड़ा सा भी दिखे नहीं, वरना मेकअप हमारा ख़राब दिख सकता है। देनिया मैं कॉन्टोर के लिए यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इज़बेला का डार्क फाउंडेशन सेट। यस गाइस, ये फाउंडेशन स्टिक है, इसे मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी डार्क शेड मैंने चूज़ किया था, ये एज अ कॉन्टोर काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आप देख सकते हैं। इसे कॉन्टोर एरिया पे मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है, देन सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। तो गाइस प्लीज़ बैकग्राउंड वॉइस को अवॉइड करें, क्योंकि बच्चे यहाँ दही हांडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ कल है जन्माष्टमी, तो इसी वजह से बच्चों का कुछ ज़्यादा ही शोर आ रहा है आज। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है उसे अवॉइड करें और मेकअप को ध्यान से देखें। दनिया मैं अगेन ले रही हूँ लैक्मे का रोज़ पाउडर विथ सनस्क्रीन, इसे मैं अपने कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी, इसे अपने एज अ फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी। ये काफ़ी अच्छा लूज़ पाउडर है, इसे पूरे फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लूँगी ताकि मेरा मेकअप काफ़ी अच्छा दिखे। गाइज इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट आप लोगों को पसंद आता है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अब वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। देन यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ ब्ले हेवन का नोटी लिप बाम, इसे मैं एज अ लिप मॉइस्चराइजर यूज़ करूँगी। गाइज एक बात हमेशा ध्यान रखें, लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले अपने लिप्स को मॉइस्चराइज ज़रूर करें ताकि आपका लिपस्टिक ज़्यादा ड्राई ना हो। कभी आपने देखा है ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से एज अ ब्लश यूज़ करना, मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से यहाँ एज अ ब्लश को यूज़ किया है। धनिया मैं सेम नेक पैलेट से ले रही हूँ हाइलाइटर पिक कर रही हूँ, एक फ़ैन ब्रश की हेल्प से मैं हाइलाइटर पिक कर लूँगी। धनिया मैंने चिक एरिया पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी। गाइज ये हाइलाइटर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा मुझे हाइलाइटर यूज़ करना पसंद नहीं है, मुझे लाइट हाइलाइटर ही पसंद है, तो इसे मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, बहुत हल्का सा ही यूज़ करूँगी। एक बात और ध्यान रखें, नोज़ पे हमेशा हाइलाइटर फिंगर टिप्स की हेल्प से लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा ग्लो देगा। देन पे फोरहेड पे, चिक एरिया पे, देन अपने अगेन ब्रो बोन पे अप्लाई करूँगी। देन मैं लिपस्टिक के लिए यूज़ कर रही हूँ NYB का पिंक लिपस्टिक। यस गाइस, NYB की बुलेट लिप लिपस्टिक, यस गाइस ये काफ़ी ही अच्छा है, ये एक शेड में ही काफ़ी अच्छा कलर देता है, एक बार अप्लाई करने पर, एक बार ही अप्लाई किया और कितना अच्छा कलर दिया है इसने। ये है मेरा फाइनल लुक। गाइस आप लोगों को कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, अब मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को करें शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और आप भी ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।